नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सुधीर एंड मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में डिस्कस करने वाला है सिलेनाफिल टैबलेट के बारे में। और ये जो सिलेनाफिल होता है वो 50 mg में, 100 mg में और शायद उससे ज़्यादा mg में भी मौजूद हो सकता है। दोस्तों, ये जो सिलेनाफिल होता है वो क्या होता है, उसको कब यूज किया जाता है, उसका डोजेस क्या होने वाला है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज का वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें। दोस्तों, जो सिलेनाफिल होता है उससे कौन यूज कर सकती है, उसे वही पर्सन यूज कर सकते हैं जो सा पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसा बीमारी है दोस्तों कि जब आप संभोग के समय में जो पेनिस का इरेक्ट होना, उत्तेजित होना संभव नहीं होता है, उसी केस में उसी केस को बोला जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो कोई भी पर्सन इरेक्टाइल डिसफंक्शन से शिकार हुए हैं तो वही पर्सन इस दवाई को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके डोजेस की बात करें, कोई भी चिल्ड्रन इसको यूज ना करें। ठीक है, और 18 से 25 ईयर की जो लड़का होते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं तो 50 mg यूज करें, और अबव 25 ईयर जो है वो उसे 100 mg यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका सही समय क्या होता है इसको यूज करने का। दोस्तों, संभोग की यानी कि सेक्स करने की 30 से 60 मिनट पहले यानी कि हाफ एन आवर से 1 आवर पहले इस दवाई को आप टेकन करते हो, लेते हो, तब उसका बेटर रिजल्ट दिखाई देगा। आप इसको हल्का नाश्ता के साथ ले सकते हैं और फ्रूट या ड्राई फ्रूट के साथ ले सकते हैं, कोई भी हेवी मील इनटेक ना करें। ठीक है दोस्तों, इसका काम कैसे होता है, उसका MOA यानी कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि जब हम इस दवाई को इनटेक करते हैं, इस दवाई को लेते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है एंड ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है पेनिस में। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है पेनिस में यानी कि अपने लिंग में, तो क्या होता है कि वहाँ पे इरेक्ट होता है, उत्तेजित होता है, ताकि आप जो सेक्सुअली जो वर्क होता है उसको करने में आपको मददगार हो सकता है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, इस तरह से ही काम करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, उसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है कोई अगर ओवरडोज यूज करता है, आपको नाउजिया हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है यानी कि देखने में भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, GI ऑफसेट हो सकता है यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, स्टोमक होता है, वो ऑफसेट हो सकता है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है या डायरिया भी हो सकता है, एक्सेसिव इरेक्शन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, इन्हीं सारे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट नजर आ सकता है एंड हेडेक भी होने का चांसेस होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद उसकी प्रिकॉशन की बात करें कि आप इस दवाई को कोई भी खट्टे चीज के साथ यूज ना करें। खट्टे चीज जैसे कि इमली हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, इन्हीं सारे जो फूड होते हैं यूज ना करें। कोई भी हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट होते हैं, ये जो दवाई होता है उसको यूज ना करें। ठीक है, कोई भी किडनी, लिवर या हार्ट पेशेंट होते हैं, ये जो दवाई होता है उसको यूज ना करें। कोई भी पर्सन होते हैं, इसको अल्कोहल के साथ यूज ना करें। अगर आप इसको अल्कोहल के साथ यूज कर रहे हैं तो उसका बेटर रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा और कुछ साइड इफेक्ट से उन्होंने होने का भी चांसेस दिखाई देता है, इसीलिए इसको अल्कोहल के साथ इंटेक ना करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। दोस्तों, हमारा वीडियो का एक ही मतलब होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। हम कहीं से भी कैसे भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमारा वीडियो को देख के आप मेडिसिन का इंटेक करें। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे। जय महाकाल।